महाराष्ट्र में अब एनकाउंटर के बाद कई सवाल यहाँ पे मौजूद किए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ महीनों पहले ब्रिजभूषण सिंह पर भी ऐसे ही आरोप किए गए थे। अब महाराष्ट्र के विपक्ष नेता ये मांग कर रहे हैं कि अगर ब्रिजभूषण सिंह पर भी यही आरोप थे तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। हमारे साथ इस वक्त खुद विजय वडेट्टीवार जो विपक्ष नेता है उनसे बातचीत करते। विजय बाबू, क्या मांग आप यहाँ पे रख रहे हैं? नहीं देखिए, ये अक्षय शिंदे का एनकाउंटर का समर्थन भाजपा और शिंदे सेना कर रही है और इनके ये लोग एनकाउंटर का समर्थन करते हुए उनकी पीठ थपथपा रही। मेरा सवाल यही है इनसे, देखो कानूनन ऐसे नराधम को फांसी होनी चाहिए और सीएम ने खुद कहा था कि 2 महीने के अंदर में हम फांसी देंगे और उसके लिए कुछ एक सातारा सांगली का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जो हकीकत में झूठ था। फिर भी हम मानते थे कि 2 महीने के अंदर में इस आरोपी के ऊपर, क्रिमिनल के ऊपर, ये कृत्य करने के वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसे हमारी समझ थी। जो गलत है गलत है, इसको फांसी ही होना चाहिए, नहीं तो कानून में प्रावधान करो कि आप चौकसी करो 15 दिन के अंदर में और उसको गोली मारना है तो चौक में लाओ और गोली से शूट करो, छुप छुप कर इसको अलग मोड़ देकर, अलग रूप देकर। ये प्रकरण जो किया गया है एनकाउंटर का, ये केवल संस्था में जो लोग थे, जो एजुकेशन संस्था में जो ये घटना घटी थी, ये बच्चियों के साथ में अत्याचार हुआ था, तो उस संस्था के लोग भी इसमें शामिल थे, वो भी इसमें आरोपी थे इस प्रकरण में। उनको बचाने के लिए मुख्य आरोपी को मारा गया, ऐसे जनता में पूरी तरह से चर्चा है। इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में सामने सत्य आएगा। अगर आप इसका समर्थन करते हो तो ब्रिजभूषण के लिए फिर क्या आपकी बात है? जिस महिला पहलवानों का शोषण किया था, अत्याचार किया था, 40-45 दिन ये बच्चियां हमारी रो रही थी, पूरा देश देख रहा था और उनके मुंह में ये ब्रिजभूषण ने हमारे साथ में अन्याय किया, अत्याचार किया, शोषण किया करके चिल्ला रही थी, तब कहां गई थी तुम्हारी नीति में? तब क्यों नहीं ब्रिजभूषण खासदार का तुमने एनकाउंटर किया? क्यों, वो भाजपा का एमपी है करके, पार्लियामेंट मेंबर है करके? अगर कानूनन दोषी वो है तो वो भी है, केवल उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए उल्टा उस बिचारी जो अन्यायग्रस्त महिला थी, बच्चिया थी, हमारी पहलवान बच्चिया थी, उनको ही बदनाम करने का काम किया गया। तो आपका कहना यही है कि अगर अक्षय शिंदे अगर आम है और ब्रिजभूषण सिंह एक सांसद है किसी पार्टी का, तो इसके लिए ये पूरा फर्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं देखो, कानून तो सबके लिए सरी का होना चाहिए। उनके ऊपर तो कोई एफआईआर भी दाखिल नहीं किया, उसके बच्चे को टिकट भी दे दिया गया, उसको टिकट नहीं दिया, उसके बच्चे को दिया, उसको छोड़ भी दिया गया, उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो अब खुद एक महिला ये बच्चिया कहती है इस आदमी ने हमारे साथ में यौन शोषण किया, इससे ज्यादा पुरावा क्या चाहिए? कहां गई थी नीतिमत्ता और नैतिकता ये भारतीय जनता पक्ष की, ये इसका समर्थन करते हुए? तो यही है इनकी, मैंने हमेशा कहा ये दुतोंडी सांप है, अपने फायदे के लिए जो बात करनी है उनके मुंह से निकलती है और जिस दिशा में वो पलट जाए उधर में फायदा हो तो उस दिशा में बात करते हैं। आपको लगता है कि अक्षय शिंदे जैसे ही एनकाउंटर ब्रिजभूषण सिंह का करना चाहिए था, ये आपकी मांग है? नहीं देखो, आप मेरे शब्दों को घुमा के बात मत करो। हाँ। ये अगर एनकाउंटर का समर्थन करते हो तो उनका भी एनकाउंटर करने का समर्थन आप करते थे क्या? उनका भी तो एनकाउंटर के लिए वो पात्र था। जब ये कृत्य इसने किया, ये गलीचा, ये गंद काम किया, ये जो किया है घिनौना काम किया है, ये नराधम है, ये माफी के लायक नहीं है, तो क्या वो भी लायक था? तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? तो हम यही कहते हैं कि एनकाउंटर करना ही था, तो इसका किया तो उसका भी करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई।